हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, मैंने इसके पहले वीडियो डाला है कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या क्या कहा मैनेजमेंट ने, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। उसमें सब आपको पता चल जाएगा, जो भी छोटे मोटे डाउट्स होंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में उसका सबका जवाब इस कॉन्फ्रेंस कॉल में। पहली बार काफ़ी दिनों बाद इतना शानदार कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ है ब्राइटकॉम ग्रुप का, जिसमें कोई भी चीज़ छूटी नहीं है, सब चीज़ों का क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट को से दिया गया है। उस कॉन्फ्रेंस कॉल को भी आप ज़रूर जाकर देखना। और इस वीडियो में एक धमाकेदार रिकॉर्ड तोड़ अपडेट और आउटलुक दिया है कंपनी ने आने वाले साल के लिए, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, जो कि आपकी आंखें चौंधिया देगा, आंखें बाहर आ जाएगी आउटलुक देखकर सुनकर। तो आप ज़रूर इस वीडियो को भी पूरा देखिए अगर आप ब्राइटकॉम ग्रुप को होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। ब्राइटकॉम ग्रुप का नया रिकॉर्ड तोड़ आउटलुक बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको मंडे के लिए जैकपॉट शेयर चाहिए जो कि 1 डे से 10 डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मेरे पास मंडे के लिए भी धमाकेदार जैकपॉट शेयर रेडी है, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें, जो कि आपके पोर्टफोलियो को रखते हैं हरदम प्रॉफिट में, और जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज आपसे लेते हैं, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में तो आज अपर सर्किट लगा और कंपनी ने आज कॉन्फ्रेंस कॉल में काफ़ी बातें क्लियर की, जो कि काफ़ी बातें क्लियर हो गई है, अब कोई डरने की बात नहीं है। उसके वीडियो मैंने बनाया था, उसके साथ ही कंपनी ने आज रिलीज़ किया है 2023-24 का फाइनेंशियल आउटलुक, मतलब प्रोजेक्शन कंपनी ने डिक्लेयर किया है। कंपनी जनरली प्रोजेक्शन दे देती है, सब लोग वेट कर रहे थे कि इस बार लेट क्यों हो गया, और आज ही कंपनी ने प्रोजेक्शन अपना पब्लिश किया है। आइए जानते हैं उसमें क्या प्रोजेक्शन दिया है कंपनी ने। आपको सबसे पहले याद दिला दूं, मार्च 23 जो अभी साल ख़त्म हुआ उसमें कंपनी का टोटल रेवेन्यू हुआ था 7,400 करोड़ का और प्रॉफिट हुआ था 1,371 करोड़ का, और अभी EPS है कंपनी का 6.80 का। ये हम लोग सब लोग जानते हैं, जो कि अभी 22-23 का जो साल ख़त्म हुआ है उसका पिक्चर क्लोज हो चुका है। तो 7,400 करोड़ का रेवेन्यू और 1,371 करोड़ का प्रॉफिट ये हमारे सामने है। अब अगले साल के लिए कंपनी क्या कह रही है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए, कंपनी ने क्वार्टर टू क्वार्टर सब बातें बताई है आउटलुक में। क्वार्टर वन का कंपनी ने रेवेन्यू बताया है 1,700 से लेकर 1,800 करोड़ के बीच में आएगा रेवेन्यू, और प्रॉफिट आएगा 310 करोड़ से लेकर 325 करोड़ के बीच में, जो कि इसको भी मैंने चेक किया है ईयर ऑन ईयर बढ़कर ही आने वाला है। क्वार्टर टू की बात करें तो रेवेन्यू आने वाला है कंपनी के हिसाब से 2,050 करोड़ से लेकर 2,140 करोड़ के बीच में, जो कि वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ के आने वाला है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 380 करोड़ से लेकर 400 करोड़ के बीच में क्वार्टर टू का नेट प्रॉफिट आने वाला है, तो वो भी काफ़ी शानदार है। क्वार्टर थ्री का कंपनी ने आउटलुक दिया है 3,800 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ तक का रेवेन्यू, जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। 4,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है दिसंबर क्वार्टर में, एंड प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है 740 करोड़ का, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो क्वार्टर रहेगा दिसंबर का आने वाले दिनों में, दिसंबर 23 का। क्वार्टर फोर का कंपनी ने प्रोजेक्शन दिया है 2024 का 1,650 करोड़, मतलब 1,575 करोड़ से लेकर 1,650 करोड़ के बीच में कंपनी ने रेवेन्यू प्रोजेक्ट किया है क्वार्टर फोर का, और प्रॉफिट का जो प्रोजेक्ट किया है कंपनी ने 270 करोड़ से 280 करोड़, जो कि वो भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो साल का रेवेन्यू कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है 9,200 करोड़ से लेकर 9,700 करोड़ के बीच में, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, शानदार है। 9,200 करोड़ से लेकर 9,700 करोड़ के बीच में रेवेन्यू। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है साल भर का नेट प्रॉफिट 1,660 करोड़ से लेकर 1,750 करोड़ के बीच में, मतलब 1,660 करोड़ से लेकर 1,750 करोड़ के आसपास कंपनी नेट प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले साल का,
जो कि वो भी शानदार है, और पूरे साल का EPS कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 8.20 से लेके 8.60। तो ये सब ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी ने प्रोजेक्शन दिया है, आउटलुक दिया है आने वाले साल का, जिसके कारण आने वाले दिनों में मेरा जो टारगेट है 120 रुपीज़ का, वो अचीव होते हुए देखने को मिल सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप में। अगर फिर से हम एंड में समराइज करें तो मार्च 23 में रेवेन्यू था 7,400 करोड़, जिसके सामने कंपनी ने प्रोजेक्शन दिया है 9,200 करोड़ से लेकर 9,700 करोड़, जो कि शानदार ग्रोथ है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट इस साल का जो था हमारा मार्च 23 में 1,370 करोड़ था, 1,370 करोड़ था, उसको कंपनी ने प्रोजेक्ट किया है आने वाले दिनों में 1,660 करोड़ से लेके 1,750 करोड़, मतलब 1,660 करोड़ से लेके तो 1,750 करोड़ के आसपास, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जंप हमें नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में देखने को मिलने वाला है ब्राइटकॉम ग्रुप के। 7,400 करोड़ के सामने 9,700 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, और 1,370 करोड़ के सामने 1,740-50 करोड़ का प्रॉफिट। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का प्रोजेक्शन एंड आउटलुक काफ़ी शानदार है। इस आउटलुक के कारण भी आने वाले दिनों में ब्राइटकॉम ग्रुप में तेज़ी बरकरार रह सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी लोगों ने इसमें काफ़ी दुख सहन किए हैं, ब्राइटकॉम ग्रुप में बहुत दिनों तक होल्ड किया है, बहुत तकलीफें सहन की है, बट आपके अभी लग रहा है दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जी वन में नया लायो रे, ये गाने का टाइम आ चुका है। एंड लेट्स होप कि ब्राइटकॉम ग्रुप गोज टू द मून एंड अचीव्स माय टारगेट 120 रुपीज़ वेरी सून। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट, एंड अभी आपका वीकेंड अच्छा ही जाएगा ये सब न्यूज़ देखकर, कॉन्फ्रेंस कॉल का भी डिटेल लेकर और कंपनी का प्रोजेक्शन आउटलुक लेकर। सो सब टेंशन फ्री हुई है अभी आप, और बने रहिए सुपर इन्वेस्टर चैनल के साथ में। थैंक यू, आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट है, और अगर आप चाहते हो मंडे के लिए जैकपॉट शेयर तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग मैनेज करें तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।